इमेजिन तुमने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए और ये तुम्हारी फाइनल आंसर शीट है सीबीएसई तुम्हारी आंसर शीट से एक भी मार्क्स नहीं काट पाया आई सेड इमेजिन कॉज ये पिछले साल के टॉपर की आंसर शीट्स हैं जिसमें एक भी मार्क्स नहीं काट पाया सीबीएसई क्यों कैसे कहां से पढ़ा था किस तरह पढ़ा था और किस तरह आंसर लिखा था ये सब कुछ एंड तक समझेंगे अगर ये सिचुएशन सिर्फ अपने साथ जाते हो कि एक चाह कर भी ना काट तो बस ये वीडियो भले भी कर ना क्या हाल पढ़ गैंग लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि पेपर, कहां, से सेट करता है, कहां से पिक करता है और कैसे क्वेश्चन पेपर पूरा फ्रेम किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में बट इस वीडियो में हमारा फोकस दो चीजों पर रहेगा पहला सीबीएससी की एक्सक्लूसिव टीम यानी कि वो टीम जो पेपर सेट करती है उसके दिमाग में क्या क्या चीजें होती हैं तो प्लीज ये वीडियो स्टूडेंट के माइंड सेट से नहीं एक टीचर के एग्जामिनर के माइंड सेट से देखना एंड दूसरा हम फोकस करेंगे इस वीडियो में सीबीएससी के एग्जामिनर्स टीम पे कि किस किस तरह से वो मार्क्स तुम्हारा काटना चाहेंगे और किस किस तरह से उन चीजों को जान करके अपना मार्क्स तुम बचा सकते हो तो लेट स्टार्ट विथ फेज वन विद सी बी एस सी एक्सक्लूसिव टीम तो पेपर सेट करते समय किन चीजों का ध्यान रखती है one, तुमने हर जगह देखा होगा किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और देख लो और उसके नेक्स्ट आगे के एक दो साल का उठा लो देखोगे कि कि तुम रिपीट हो रहे हैं हर हर सेट में हर सीरीज में सीरीज तो यह जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा अमाउंट हर साल आता है और डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और एमसी में तुम किसी भी साल का पेपर उठाओ और साथ में रखो एनसीआर एग्जाम्पलर एनसीआर एक् जम्पलर से मोटिवेटेड होते हैं क्वेश्चन यहाँ तक कि इस साल के भी सैम्पल पेपर उठा लो और प्रैक्टिस पेपर जो आए हैं एडिशनल वो उठा लो और देखोगे कि मल्टीपल करूज हों या रिएक्शन बेस्ड एम सी क्यूज हो हर एक चीज एम सी क्यूज में इंस्पायर्ड है कहां से एनसीआरटी एक् जम्पलर बुक से जो फ्री में अवेलेबल है जाके देख सकते हो एंड जो सी बी एस सी ने हर साल कुछ स्पेशल करता है इस साल खुद भी बताया है कि फिफ्टी परसेंट रहेंगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इसमें क्या रहेगा अपने सामने देखो ये है साइंस का क्वेश्चन पेपर डिजाइन यानी कैसे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे 46 सिक्स परसेंट क्वेश्चन हैं डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल फैक्ट्स जो वन लाइनर फैक्ट्स में पता है कि हां इस कंपाउंड का कलर क्या होता है रिएक्शन में सिंपल जो एनसीआर में दिया कलर चेंज क्या से क्या हो जाता है वो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 46 सिक्स परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट जहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़े और थर्टी जो मेन कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है थर्टी टू ट्वेंटी टू मिला करके ये यह है यहां पे फॉर्मुलेट एनालाइज इवेलुएट एंड क्रिएट यानी जहां पे तुम्हारे अपनी नॉलेज को क्रिएट करना हो क्वेश्चन समझ करके इवेलुएट करके अपना खुद का आंसर बनाना पड़े जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं अब वो सारे क्वेश्चन सिमिलरली सोशल साइंस में भी अगर तुम देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यानी डायरेक्ट नॉलेज पे लगानी है याद करके लगा सकते हो ये देखो लिखा भी है, facts, कितने 30 13 यहां पे है दूसरे क्वेश्चन अपलाइंग वाले मैथ स्किल्स पॉइंट टू फाइव परसेंट जो पांच मार्क्स आता है और रेस्ट फिफ्टी परसेंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है अब मैथ्स के लिए अपने दो पेपर आते हैं मैथ स्टैंडर्ड वालों के लिए

इस तरह से रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चंस जहाँ पे एक्टिविटीज से क्वेश्चन उठ रहे हैं और कई सारे नए क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं जिसको तुम्हें पढ़ के अपना आंसर बनाना पड़े एंड उसी तरह सोशल साइंस में ये सारे क्वेश्चन जहां पे कोड्स आइडेंटिफाई करना है हिंट्स आइडेंटिफाई करना है एंड मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कुछ घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में जो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अमाउंट में आएंगे जैसा बताया और ये सारे टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस 33 थ्री डेज कैट्यूल्ड कंटेंट के फॉर्म में कि डे वन में इतना पढ़ना है डे टू में इतना पढ़ना है हमारी लेटेस्ट बुक 33 थ्री डेज चैलेंज में मिल जाएगी ये चैलेंज हजारों स्टूडेंट्स ने लिया है तुम्हें भी अगर और जानना है बुक के बारे में लिंक मैं कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में, में दे दूंगा जाकर रिव्यूज पढ़ो और उसके बाद खुद खरीद के ट्राई कर सकते हो आगे ध्यान देते हैं अपने सेकेंड फेज ऑफ वीडियो पे जो है सीबीएसई की एग्जामिनर्स टीम क्या सोच रहे होते हैं ये जब भी तुम्हारी आंसर शीट जाएगी इनके सामने तो मार्क्स काटेंगे कहां कहां पे सबसे पहली जगह अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं थी कोई चैप्टर नहीं पढ़ के गए थे तो वो क्वेश्चन अगर तुम सही से सफिशेंट आंसर जो चाहिए होगा वो नहीं लिखा है तो मार्क्स कट जाएगा जो तुम्हारे साथ प्री वोड्स में भी हुआ होगा बट 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 कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा कि तुमने लिखे तो सारे points, है सारे पॉइंट तुम्हारे अकॉर्डिंग वो आंसर करेक्ट है बट फिर भी टीचर ने सर्कल मार करके या कोई पॉइंट अंडरलाइन करके तीन में से दो ढाई या पांच मार्क में से सिर्फ चार या तीन मार्क्स दिए फुल मार्क्स नहीं दिए क्यों इसी कॉल से वो डीकोड करते हैं लेट्स बिगिन विद सोशल साइंस फॉर एग्जाम्पल जब भी तुमने कोई आंसर लिखा अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके पॉइंट्स भी सेम होते हैं बस उसको स्टार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से देना होता है स्टेटमेंट लिख दिया और लिख दिया कि द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड एज फॉलोज अब नीचे वो तीन पॉइंटर्स में तुम जो भी लिख रहे हो वो बिल्कुल रिलेटेबल होना चाहिए उस अपने मेन हेडिंग यानी मेन लाइन से लाइन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं सिमिलरली साइंस में अगर तीन पार्ट में क्वेश्चन है जो जनरली रहता है तो वहां पर जो एग्जैक्ट चीज पूछी गई है वो लिखो अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो सिंबल के साथ लिखो कलर चेंज के साथ लिखो कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करो एंड इन मैथ्स डिटेल्ड द ओनली आंसर यू शुड राइट कभी भी ये मत सोचो मैथ्स में कि बस आंसर ले आए अगर आखिरी में वहां पे बॉक्स बना दिया कि अपना आंसर है तो हो गया काम नाउ no. वहां पे तुम्हें पूरा गिवन टू प्रूफ और सारी चीजें लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन स्टेप मार्किंग होती है पूरा डिटेल में सॉल्यूशन लिखना होगा बट ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हें होना पड़ेगा एग्जाम हॉल रेडी एंड वट आई मीन बाई एग्जाम हॉल रेडी ध्यान से सुनना अगले तीन पॉइंट नंबर वन जिस भी दिन तुम सोशल साइंस का एग्जाम देने गए हो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन घुमा करके आया है बस स्टेटमेंट बेस्ड है घुमा कर क्या है लिखने इसमें वही तीन पॉइंट पांच पॉइंट है और वो तीन पॉइंट पांच पॉइंट के थ्रू तुम्हें याद होने चाहिए सिमिलरली साइंस के के एग्जाम दिन तुम्हें सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए सारी एक्टिविटीज में एनसीआरटी में नीचे क्या पूछा है सारे जो रिएक्शन है ब्लू रिएक्शन उसमें क्या कलर चेंज है क्या प्रोडक्ट है क्या प्रेसिपिटेट है हर एक चीज मालूम होनी चाहिए जो अगर अभी नहीं है तो डोंट वरी फ्री में पढ़ लिया इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और जाके नोट्स के थ्रू अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड हैं बॉक्सेस डाल रखे हैं मेमोनिक्स डाल रखे हैं और मैथ्स में हिंग्लिस व्हाट्सएप लैंग्वेज में सारी ट्रिक्स लिख रखी है सिमिलरली इसी ऐप पे तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्विज़ के फॉर्मेट में टाइमर के साथ मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन चालू करो ताकि ये ना कहने को कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और पैसों की वजह से कुछ मार्क्स रह गए अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए बात तो सही है लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बट जैसे मैंने सोशल साइंस और साइंस का बताया मैथ्स वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुमसे कौन से सिली मिस्टेक्स हो रही हैं क्योंकि तुमने खुद नोटिस किया होगा कि मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स सिली मिस्टेक्स में ही कटते हैं जो मैंने अपने टाइम पे एक मैजिक बुक बना के काउंटर किया था क्या कि किया एक बुक बनाई एक नोटबुक स्पेशल जिसमें चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चंस मुझसे बार बार गलत होते थे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो लिख लिया और जो गलती हो रही थी ना उस क्वेश्चन में वो ये ऊपर लिख लिया और सॉल्यूशन ताकि मैं उसको रिवाइज करके अपनी खुद की सिली मिस्टेक्स रिवाइज करके कि जाऊंस्ट एग्जाम में वो मिस्टेक तो रिपीट ना ही हो क्योंकि सब वो मिस्टेक फीड हो जाती है और उस टाइप के क्वेश्चन में वो मिस्टेक दोबारा कभी रिपीट नहीं होती बट अभी यार तीनों चीज सब्जेक्ट्स की मैजिक बुक बनाना पॉसिबल नहीं है और आने वाले जो दिन है बीस पच्ची तीस दिन जो बच रखे हैं ना उनके लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यूज करो फ्री मटेरियल्स ऐप पे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं बट अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो वो मोमोज का पैसा काट करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो होगी ये फाइनल थर्टी थ्री डेज बुक इसमें हर एक कंटेंट स्केड्यूल्ड है कि डे वन में तुम्हें कितना पढ़ना है बस रुक जाओ फिर डे टू में तुम्हें कितना पढ़ना है थ्री में और जो जो चीज़ों में मैंने बताई चाहे वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जो पार्ट वन में हमने इस वीडियो की कवर किया वो सारे इंक्लूडेड हैं देख सकते हो अपने सामने फिर आंसर में तुम्हें जितनी भी चीजें बताई जैसे मैथ्स की वो सीली मिस्टेक्स नोटेड साइंस में क्या क्या चीजें हैं और सोशल साइंस में ये सारी फ्री एडवाइस के बॉक्सेस के थ्रू दी हुई है सॉल्यूशन इन डिटेल है और इसी बुक में सैंपल पेपर्स भी है कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन कर लो यानी में में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने लिए अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए और अपने स्पेशल मूवमेंट के लिए वो न्यूज़पेपर में फोटो के लिए तो प्लीज सही जगह इन्वेस्ट करना लिंक बुक के डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी इस बुक को ले लो और बंडल ही लेना इंडिविजुअल बुक महंगी पड़ती है और अगर नहीं है पैसे इंडिविजुअल बुक के भी तो फ्री में ऐप इंस्टॉल कर ले और जाना जा पढ़ ले